सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू ग्रीन मॉइस्ट। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं एडेनियम की केयर के ऊपर, एडेनियम को आपको कैसे केयर करनी की है और इसको कैसे प्रोपोगेट करके इसके लीव्स हेल्दी रख के प्रूनिंग कैसे करनी की है और उसके साथ साथ कॉर्डेक्स की सब प्रॉब्लम्स आज हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारे आप चैनल के ऊपर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट पॉइंट के साथ। तो आपके यहाँ फर्स्ट पॉइंट जो मेन ध्यान रखने का है वो है कॉर्डेक्स कभी भी सॉफ्ट होता है तो आपको एडेनियम को तुरंत नहीं निकालना चाहिए सॉइल में से। एडेनियम के कॉर्डेक्स सॉफ्ट होने के प्रॉब्लम होते हैं कि आप इसको कभी कभी ओवर वाटरिंग करते हो या फिर इसको ओवर सनलाइट हो जाती है। तो ये आपको एक मिनिमम में कर लेने का है। फर्स्ट आपको इसको मिनिमम वाटर और मिनिमम सनलाइट देनी है तो आपका कॉर्डेक्स एकदम हेल्दी रहेगा। नेक्स्ट है कि हमारी प्रूनिंग कैसे करने की है, प्रूनिंग करने के फ़ायदे क्या होते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो जहाँ पे मैंने प्रूनिंग की है उस साइड से बहुत सारे ब्रांचेस निकल कर आ रहे हैं। जब मैंने ये नर्सरी से लाया था, आपको मैं ऊपर पिक दिखाऊंगा, जब मैंने ये नर्सरी से लाया था तो ये एक अच्छा छोटा प्लांट था पर और इसकी प्रूनिंग की गई थी। नीचे आप देख रहे हो बड़े बड़े कट्स तो नर्सरी में किए गए थे और ये छोटे कट्स जो मैंने किए हैं 6 मंथ्स के बाद तो ये अभी ग्रो हो गया है हेल्दी। मैं आपको पिक्स शेयर करूँगा जब मैंने कट किया था तो कैसा दिख रहा था और अभी किसने इतनी अच्छी ग्रोथ कर ली है इसने। तो जैसे मैंने इसकी रिपोर्टिंग की तो इसको मैंने पॉटिंग मिक्स भी इतनी अच्छी यूज़ की और अभी थोड़ा सा ये हेल्दी दिख रहा है मेरे को। सिर्फ इसका ज़रा सा कॉर्डेक्स अंदर गया था और जो मैंने मिट्टी अभी इसको वाटरिंग दी थी और इसमें सॉइल मिक्स ज़रा सी अलग है, इसमें वर्मी कंपोस्ट बिल्कुल ऐड नहीं है, सिर्फ इसमें सैंड नॉर्मल गार्डन सॉइल ऐड है और उसके साथ साथ परलाइट और कुछ थर्माकोल के बॉल्स ऐड है। और जब मैंने लाया था तो ये कोकोपीट में ही ग्रो किया था तो मैंने इसको बोनसाई पॉट में लगाया और ये अभी हेल्दी ग्रो कर रहा है। मैं इसको वीकली फर्टिलाइज़र देता हूँ जैसे कि बनाना पिल फर्टिलाइज़र, फ्रूट पिल फर्टिलाइज़र या फिर NPK DAP आप दे सकते हो। आप देख सकते हो ये एक बोनसाई पॉट है जो कि छोटा है। ये बोनसाई पॉट लेने के एक यही रीज़न होती है कि हमारा जो कॉर्डेक्स होता है वो बड़ा हो जाता है छोटे से पॉट में और हमारा एडेनियम एक बोनसाई लुक देता है। तो हम बात करते हैं कि इसका येलो लीव्स क्यों होते हैं और ड्रॉप क्यों होते हैं। तो एक कॉमन सा रीज़न होता है जब ये विंटर में होता है, यदि ये समर में हो रहा है तो अपने कॉर्डेक्स में कुछ तो प्रॉब्लम है या फिर ये गला है या फिर इसमें ओवर वाटरिंग हो रहा है। ओवर वाटरिंग से हमारे जो लीव्स होते हैं वो नीचे गिरते हैं, एडेनियम को ओवर वाटरिंग बिल्कुल नहीं चलती। ये एक सर्कुलेंट फैमिली से बिलोंग है, इसको वीकली आप वाटर करें तो अच्छा है या फिर समर में आप इसको 5 डेज के बाद वाटर करोगे तो अच्छा है। अभी जो मेरा एडेनियम है वो 3 ईयर्स का है और अच्छा ग्रो भी कर रहा है अभी और आप देख सकते हो इसको फुल ब्रांचेस है। मैंने इसकी प्रूनिंग बहुत ही अच्छे से की थी, एक ब्रांच लीव नहीं किया था जहाँ से फिर से उसकी ग्रोथ शुरू हो जाए। इसको मैंने कट किया और उसी टेम्परेचर और सनलाइट और वाटरिंग की तो एडेनियम बहुत ही हेल्दी दिख रहा है। जो नेक्स्ट प्रॉब्लम एडेनियम में अक्सर आती है वो कॉर्डेक्स सॉफ्ट होने की। कॉर्डेक्स सॉफ्ट तो इससे ही होते हैं कि ओवर वाटरिंग हो जाती है या फिर इसको एक अच्छा टेम्परेचर नहीं मिल रहा है और टेम्परेचर फ्लक्चुएशन हो रही है। और आपका मैंने लीव्स के बारे में तो बता लिया गाइस कि लीव्स येलो तो तभी होते हैं जब विंटर होता है तो ये डोरमेंट पीरियड में जाता है जिधर इसके लीव्स पूरे येलो होके गिर जाते हैं पूरे प्लांट के और प्लांट को कुछ भी मतलब प्लांट एकदम स्टॉप होता है, प्लांट कौन सी भी ग्रोथ नहीं करती और आपको सॉइल में वाटर नहीं डालने का है, सॉइल बिल्कुल ड्राई लगने की है। अभी मैंने फ़िलहाल इसको तो वाटर दिया था और जो अभी ये वाला एडेनियम आप देख रहे हो, मैंने 2 एडेनियम एग्जाम्पल में लिए, ये एडेनियम को मैंने प्रून किया था। कैसे प्रून करता हूँ मैं अभी आपको एग्जाम्पल दिखाने के लिए शेयर कर रहा हूँ इसको कैसे स्मॉल आप देख सकते हो स्प्राउट सारे ग्रीन ग्रीन कलर के जो मैंने आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये स्प्राउट 4 डेज के बाद में विजिबल चाहिए, यदि 4 डेज के बाद विजिबल नहीं है तो प्रॉब्लम है कुछ तो कॉर्डेक्स में। ये जो एडेनियम था वो मैंने रिपोर्ट किया है अभी ही 4 डेज पहले और आप सॉइल देख सकते हैं इसमें वर्मी कंपोस्ट ऐड है, पूरा वर्मी कंपोस्ट, परलाइट और कोकोपीट। बिकॉज ये अभी रिपोर्ट किया है तो इसको थोड़े से न्यूट्रिशंस चाहिए पॉट के अंदर। ओके सर, अभी पॉट साइज़ कौन सी चूज़ करनी की है, आप देख सकते हो मैंने इसको पहले पॉट साइज़ कैसे चूज़ की थी। ये आप देख सकते हो एक बोनसाई पॉट है लगभग 5 इंचेस का या 4 इंचेस का हो सकता है और मैंने इसके नीचे से धागे लिए हैं। अब ये धागे क्यों लिए, तो हमारा जो एडेनियम रिपोर्ट करने के बाद स्ट्रेस मतलब हिलता डुलता है तो हिलना डुलना नहीं चाहिए, इससे रूट्स डिस्टर्ब हो सकते हैं, इसलिए मैंने ये धागे लिए हैं और इसको बांधूंगा। तो आगे देखते हैं, अभी मैंने इसको रिपोर्टिंग का ये वाला वीडियो क्लिप है वो एक रिपोर्टिंग का है। तो अभी बात करेंगे पॉटिंग मिक्स, यही पॉटिंग मिक्स है जो मैंने हमारे एडेनियम सॉइल मतलब एडेनियम उधर से निकाला था और आप देख सकते हैं इसमें कोकोपीट ज़्यादा है, परलाइट है और वर्मी कंपोस्ट है और
और हम वर्मी कंपोस्ट इसमें ऐड करेंगे। तो गाइज लगभग मैंने आपको बता दिया है इसके ऊपर वीडियो न्यू आएगा, जो कि मैंने इसको रिपोर्ट कैसे किया है, इसकी प्रूनिंग कैसे की है, और 15 दिन मैंने इसको लटका के रखा था, और उसके साथ साथ प्रूनिंग करके इसको हल्दी क्यों लगाई, मैंने फंगीसाइड पाउडर क्यों नहीं लगाई, इसके सब वीडियो आ जाएंगे। और स्पॉटिंग मिक्स तो इसकी अलग है और उसकी अलग है, ये एक आप समर में भी ये पॉटिंग मिक्स यूज़ कर सकते हो। बाकी तो कुछ नहीं गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए।